स्याही भी नहीं सूख पाती अखबार की, स्याही भी नहीं सूख पाती अखबार की। और फिर एक और खबर आती है बलात्कार की। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले की एक दर्दनाक शाम की कल्पना करें, जो हिंसा से तबाह हो गई, जिसने ना केवल एक महिला को सदमे में डाल दिया बल्कि समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया। शनिवार शाम को पराग से लगभग 100 मीटर दूर एक पुलिस स्टेशन के पास एक 25 वर्षीय बलात्कार पीड़िता और उसका भाई एक क्रूर हमले का निशाना बन गए। महिला जिसने पहले एक व्यक्ति पर बलात्कार और ब्लैकमेल का आरोप लगाया था, गोली लगने और धारदार हथियार और लोहे की छड़ों से हमले किए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसका भाई उस समय उसके साथ था, उस पर भी हमला किया गया और उसे घायल कर दिया गया। यह भयावह घटना ना केवल पीड़िता की व्यक्तिगत त्रासदी को बल्कि भारत में महिला सुरक्षा और आपराधिक न्याय प्रणाली के व्यापक मुद्दों को भी रेखांकित करती है। महिला अब जयपुर के SMS अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उसकी हालत गंभीर बताई गई। इसी बीच उसका भाई खतरे से बाहर है, लेकिन घटना से गहरा आघात पहुंचा है। हमला एक पुलिस स्टेशन के पास एक सुरक्षित प्रतीत होने वाले क्षेत्र में हुआ है, जो नागरिकों और विशेषकर उन लोगों की सुरक्षा में कानूनी प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है, जो पहले की पीड़िता हो चुके हैं। घटना के बाद 22 और 19 उम्र की उम्र के दो संदिग्धों को रविवार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस मामले में अधिकारियों की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया का संकेत देता है। यह दुखद घटना अचानक घटित नहीं हुई। पीड़िता ने पहले 17 जून 2023 को आरोपी के खिलाफ रेप और ब्लैकमेल कराने की FIR दर्ज कराई थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी जान और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरा बताया। उसकी दलीलों के बावजूद भी पुलिस कथित तौर पर उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रही। आरोपी धमकी देकर उसके वेतन का कुछ हिस्सा वसूल रहा था, यहाँ तक कि उसके कार्यस्थल पर अशांति पैदा कर उसे नौकरी से भी बर्खास्त करा दिया गया था। घटनाओं का ये क्रम पीड़िता की न्याय और सुरक्षा की तलाश की एक धूमिल तस्वीर पेश करती है, जो प्रणालीगत विफलताओं के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं। कोटपुतली बहरोड की घटना अकेली घटना नहीं है, यह भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के एक परेशान करने वाले पैटर्न को दर्शाता है। सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपी कांग्रेस नेता का निलंबन महिलाओं को न्याय पाने में और उनकी चुनौतियों को आगे और ताजा करने के लिए उदाहरण है। ये मामला बचे हुए लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि इस मामले में संदिग्धों की त्वरित गिरफ्तारी एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, जो इसे हिंसा को होने से अनुमति देते हैं। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही पीड़िता का संघर्ष इस प्रणालीगत विफलता की व्यक्तिगत कीमत की याद दिलाता है। एक समुदाय और राष्ट्र के रूप में उत्तरजीवता और परिवर्तन की मांग करते हुए बचे हुए लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता कभी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। राजस्थान की त्रासदी लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ाई और सभी महिलाओं के लिए न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज की तलाश में आगे की लंबी यात्रा की एक दर्दनाक याद दिलाती है। नमस्कार।